स्वागत है दोस्तों आप सभी को एलेक्स टेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आप यूज़ करते शेयरमी रियलमी के C1, C2 या C3 आप उस पर अपने सिम पर कैसे सेटिंग्स को कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आपको आना है फर्स्ट सेटिंग्स पर, उसके बाद आपको आ लेना है डुअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क्स पर, जो कि आपका मोबाइल सिम्स है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर आप देखिए यहाँ पे पूरा सेटिंग्स है दोस्तों A to Z। अगर आपको अपना सिम को ऑफ करना है तो आप इसको इनेबल को डिसेबल भी कर सकते हैं या फिर इनेबल कर सकते हो। अगर आपको अपना सिम का जो आप जो सिम पर्टिकुलर सिम यूज़ करते हो उस पर आपका नाम आप इस पर डाल सकते हो। जैसे कि मेरा एयरटेल है तो मैं अब एयरटेल लिख लूँगा, उसको सेव कर लूँगा। सिंपली सिम कार्ड आपका हम जैसे देखते हैं, हम जब अपने मोबाइल पर नया सिम को एक्टिवेट करते हैं या फिर इंस्टॉल करते हैं तो हमको अपना फर्स्ट सिम या का नंबर याद नहीं रहता है। तो ये जो सिम कार्ड नंबर है, अगर आप अपने मोबाइल के नंबर इस पे अगर आप लिख लेंगे या फिर आप इसको इनपुट कर लेंगे तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा आपका फ्यूचर पे या फिर आपको फर्दर यूज़ पे आपको बहुत हेल्प करेगा। तो सिंपली बैक आएंगे। उसके बाद नेटवर्क सेटिंग्स अगर आप अपने जो स्टेट या फिर जो जगह से आपने जो सिम को इंस्टॉल किया या एक्टिवेट किया है, अगर आप दूसरा स्टेट पे जाते हो या कोई भी प्लेस पे जाते हो उस पर रोमिंग आ जाते हैं, तो आपको सिम अगर आपका डाटा उस पर काम नहीं करता तो सिंपली आपको ये डाटा रोमिंग पर आपको इनेबल कर लेना है। वर्ल्ड कॉल्स अगर आपका जो टावर है या आपका नेटवर्क या जो आपका फ्रिक्वेंसी आपको बहुत हेल्प करेगा। वाईफाई कॉलिंग अगर आपने यूज़ किया है वाईफाई, अगर आप तो ये वाईफाई को अगर आप कॉलिंग को आप इनेबल करते हैं तो ये आपको हेल्प करेगा वाईफाई से कॉल करने के लिए। तो दोस्तों हम नेक्स्ट पर आते हैं प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप। दोस्तों जैसे अगर आपका सिम अगर नेटवर्क अगर स्पीड नहीं है, आपका डाटा आपका स्पीड नहीं ले रहा है, आपका इंटरनेट स्लो है, तो इस प्रीफर्ड नेटवर्क को यूज़ करके आप उस इंटरनेट को स्पीड कर सकते हैं। एक्सेस पॉइंट दोस्तों इधर पे आएंगे हम। ये एक्सेस पॉइंट हमारा जो इंटरनेट जो GPRS है उसका है दोस्तों। आप इसको क्लिक करके भी आप इंटरनेट को यूज़ कर सकते हो। तो कैरियर पे जाएंगे दोस्तों, ऑटो सेलेक्ट आप इसको ऑटो सेलेक्ट ही रहने दीजिए ताकि आपका जब आप जो भी जगह जाएंगे तो आपका जो सर्च इंटरनेट है ये आपका हेल्प करेगा। दोस्तों इस सेटिंग को यूज़ करके आप अपने जो सिम है आपका जो भी सिम आप एयरटेल यूज़ करते हैं, जियो नेट यूज़ करते हैं, वोडाफोन, इस सेटिंग्स को यूज़ करते हैं आपको जो सिम है आप उसका सेटिंग्स को इनेबल कर सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। टिल देन बाय।